अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। चलो अभी क्लास के बाद पूछ लेना मुझसे, भेज दिया अभी, यहाँ से है नहीं इंटरनेट तो चली जाएगी। फाइफो मेथड, पहले मैंने वेटेड एवरेज मेथड कराया था, अब फाइफो मेथड। फाइफो मेथड में तमीज रखी जाती है अलग अलग कि नए कौन से पुराने कौन से। वेटेड एवरेज में क्या किया था, एवरेज रेट बना दिया था सब मिला के। अच्छा ये मैं ना कल वाली चीज दोबारा लिख रहा हूँ, आपके पास लिखी हुई है अगर आपने नोट की थी तो, ये मैं बस वो सामने बताने के लिए ला रहा हूँ यहाँ। मुझे आप वो जो मैंने इस बोर्ड पे किया था ना वो डाटा बताएं, परसों वाले सवाल का कॉस्ट पर यूनिट में जो लिखा था वो शक्ल बताइए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस परसों वाला सवाल, 72,000 करंट पीरियड कॉस्ट 5 6 9। और इसका डिनोमिनेटर था 23,224, और इसका ईपी बनाया हुआ था 20600, और क्लोजिंग में मटेरियल में लिखे हुए थे 18। इसको मैंने कल समझाया ऐसे था, कल वाली बात वो वहीं से दोबारा चलता हूँ। ओपनिंग कितने थे 3,000, ये मुकम्मल हुए और मजीद कितने आए, इनमें से क्लोजिंग रह गए 24 और बाकी 17,600 इधर चले गए। ये ऐसे 20,600 बना था। कल मैं ये बात नॉलेज के लिए समझा रहा था कि ये जो 3,000 थे ओपनिंग, इन पे कन्वर्जन पिछले महीने कुछ आ चुकी हुई थी कितनी, और बाकी इस महीने में आई, और जो आए और चले भी गए 17,600 इनकी पूरी की पूरी कन्वर्जन इसमें शामिल है, और जो क्लोजिंग है इन पे अभी, और उससे पहले ये बात की थी कि पर यूनिट कॉस्ट के लिए याद रखिए कि जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो जो खर्चा ऊपर लिखा है डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पे वो खर्च हुआ है। तो इस 7,62 के अंदर इस पे आया पूरा खर्चा आ गया, इस पे आया पूरा खर्चा आ गया, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों पूरे पूरे आने चाहिए। कितने, ये वो 2,600 है, और इस पे ये खर्चा अभी पूरा नहीं आया इसलिए इसके डिनोमिनेटर में फिर यूनिट्स भी पूरे नहीं आने चाहिए, 75% आने चाहिए। ये कल बात की थी मैंने, और मटेरियल इन 3,000 पे पिछले महीने ही मुकम्मल लग चुका था, और इन 17,600 पे भी इस महीने मुकम्मल लग गया, और 2,400 पे भी मुकम्मल लग गया। तो इस 6,00,000 के डिनोमिनेटर में ये सारे आ जाने चाहिए, 20,600 और 2,400 भी पूरे 2,400। ये की थी मैंने कल बात जो आपको कहा था कि नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो भी सुन रहे थे जाग रहे थे ये बात कुछ समझ आई या बेकार था। इस ये जो सामने किया हुआ है इसमें एक शक पड़ता है कि ये जो अमाउंट है ये कब खर्च हुई थी, पिछले महीने, तो सर ये तो पिछले महीने खर्च हो गई थी, इसको फिर यहां दोबारा क्यों ऐड कर दिया, ये एक एक सवाल है। इस सवाल का जवाब देता हूं, उससे पहले एक और सवाल पूछता हूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब पड़ी थी और उसमें
ट्रेडिंग बिजनेस, वेटेड एवरेज मेथड, तो एवरेज रेट का फार्मूला क्या? ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट और डिवाइडेड बाय सारे यूनिट्स, ठीक है। ये जो ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं ये उनकी अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट, और ये किसी एक महीने अप्रैल का अगर हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं, अप्रैल की परचेजेस ली, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक लिया और एवरेज रेट निकाल लिया, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये जो ओपनिंग की अमाउंट यहां ली है ये खरीदे कब थे? पिछले महीने। तो क्या ये पिछले महीने की परचेजेस नहीं थी? थी। तो क्या इस फार्मूले में इनको यहां लिख देने से हमने इनको फिर से परचेजेस मान लिया? नहीं, ये तो जस्ट एक एवरेज रेट का फार्मूला है। हमने तो सिर्फ फार्मूले में इन अमाउंट को मिला के एक एवरेज रेट निकाला है। इस फार्मूले में ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस लिखने का यह मतलब थोड़ी है कि हम इसको फिर से परचेजेस मान रहे हैं, इसको फिर से परचेजेस मान रहे हैं, नहीं, ये पिछले महीने खरीदे थे तब ही की परचेजेस थी। फिर ये क्या किया है? ये जस्ट एक एवरेज रेट निकाला है, उसके फार्मूले में जो प्लस माइनस किया है वो किया है। इसी तरह से ये खर्चा कब हुआ था, तो इसको इस फार्मूले के अंदर लिख लेने से ये नहीं हो रहा कि हमने इस खर्चे को इस महीने फिर से खर्चा कह दिया, नहीं, ये जस्ट फार्मूला कैलकुलेट किया है, जस्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की है। हमने दोबारा से इसको इस महीने मटीरियल कॉस्ट नहीं कह दिया, दोबारा से इसको इस महीने कन्वर्जन कॉस्ट नहीं कह दिया। और ये बात आपको और वाजे हो जाएगी जब हम लोग डबल एंट्री और उससे भी बेहतर जब टी अकाउंट पढ़ लेंगे। तो ये यहां पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसको हम फिर से एक्सपेंस मान रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये बस एवरेज रेट निकालने के लिए एक फार्मूला लगा रहे हैं। और हम कौन सा पिछले महीने के सारे एक्सपेंसेस यहां लिख रहे हैं? हम तो सिर्फ वो लिख रहे हैं जो ओपनिंग वाले थे और वो इस महीने भी चले आए, ये उनकी ओपनिंग की वैल्यू लिखी हुई है। तो कुछ बच्चों को सवाल होगा कि यहां पर हमने ऐड कर लिया तो उसको फिर से एक्सपेंस मान लिया। ये मैंने उस सवाल का जवाब दिया, ये कोई एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी था, तो आंसर्ड कि नहीं, नहीं, ठीक है, ओके जी। मटेरियल इसमें पिछले महीने ये इस चक्कर में आए होंगे, जैसे 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 ये जो 2400 है इस पे आया खर्चा इसमें शामिल है ना, तो जब ये 3000 पिछले महीने क्लोजिंग थे तो उन पे आया खर्चा भी इसके अंदर शामिल था। बस फार्मूले के अंदर एवरेज रेट निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। इस 3000 पे पिछले महीने आए खर्चे को यहाँ लिख लेने का मतलब ये नहीं है कि हम इस खर्चे को फिर से इस महीने की कन्वर्जन कॉस्ट कह रहे हैं। तो बेटे वो तो एवरेज रेट का फार्मूला है ना, क्या हम यहां पर इसको परचेजेस कह रहे हैं दोबारा? इस महीने ये फार्मूला इस महीने लगा रहे हैं कि पिछले महीने लगाए? इस महीने लगा रहे हैं, तो इस महीने के फार्मूले में इसको लिख रहे हैं। क्या फार्मूले में लिखने से इसको परचेजेस कह दिया हमने? नहीं। तो इसी तरह अब भी बस एवरेज रेट का फार्मूला लगाया है कि ओपनिंग की अमाउंट प्लस इस महीने होने वाला खर्चा डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो एवरेज रेट निकाला है। नहीं ना, कैसे इंक्लूडेड? पिछले महीने के आउटपुट तो गए ना, वो 3000 में छोड़ी है, यानी 3000। हाँ 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 है, लेकिन ये तो एवरेज रेट कर रहे हैं ना। अच्छा, जो मैंने बात की उसकी फेवर में कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो? हाँ बस ठीक है, सही सही कह रहे हो। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात की है ना, ये कुछ बच्चों के सवालों का जवाब दिया था, जिनको ना सवाल समझ आया ना जवाब समझ आया, चिल, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं काम है। ये जो कल दो सवाल किए थे ये कर तो लिए ना, बस सब सही है, सब सही है, है? बिल्कुल, हम सिर्फ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो इग्नोर इग्नोर। फाइफो, फाइफो मेथड, फाइफो मेथड में जो क्लोजिंग होता है वो किस में से बचा होता है? फाइफो मेथड में, नए वाले में से, नए वाले में से। अच्छा, फिजिकली तो ये वाकई इसी में से बचा हुआ है, यानी असल में फिजिकली ये 2400 इन्हीं में से है, ये थोड़ी एक महीना फिर से मशीन में पड़े रहे होंगे। लेकिन बिजनेस की मर्जी, अगर वो वेटेड एवरेज मेथड यूज करना चाह रहा था, बिजनेस की मर्जी, वो तो कॉस्टिंग का मेथड है। ये 2400 असल में तो इन्हीं में से हैं, फिजिकली ये इन्हीं में से बचे हुए हैं, वो तीन पक गए,
लेकिन अगर बिजनेस वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहा था तो ये जस्ट एक कॉस्टिंग मेथड है, बिजनेस की मर्जी। अगर बिजनेस फाइफो मेथड यूज करना चाहे तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए भी ये किन में से होंगे, जो इस महीने में हुए खर्चे उन्हीं में से खर्चा इस पे लगा होगा। ये बात दोबारा सुनिए, जब मैंने कल परसों वेटेड एवरेज के दो सवाल कराए ना, एक परसों किया था, कल किया था, उस वेटेड एवरेज आई ना उन सॉल्यूशन पे आए, जरा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे आइए। जो एवरेज रेट निकाल लिया ऐसे, उसी एवरेज रेट को स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कंप्लीटेड के लिए भी इस्तेमाल किया और क्लोजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया, यानी क्लोजिंग पे भी हमने वही रेट लगाया जो इन दोनों का मिक्स करके एवरेज निकला था। ये वेटेड एवरेज है कि ओपनिंग प्लस इस महीने होने वाला काम इनको मिलाएं, एक एवरेज रेट बनाएं, वही एवरेज रेट कंप्लीटेड पे भी और वही क्लोजिंग पे भी। तो आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में यही किया होगा, इसीलिए इसको एवरेज मेथड कहते हैं। लेकिन अब हम अगर फाइफो चलेंगे तो क्लोजिंग पे जो रेट लगना चाहिए वो सिर्फ इस महीने के खर्चों वाले में से लेना चाहिए, या अब भी ओपनिंग को साथ मिला लें, नहीं क्लोजिंग इन्हीं में से। इसी तरह जो कंप्लीटेड हैं वो दो तरह के होंगे, जो पुराने आए और कंप्लीट हुए और जो नए वालों में से। तो फाइफो मेथड में अब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा, और वो तरीका ऐसे बदलेगा कि क्लोजिंग के ऊपर जो रेट लगाना है वो सिर्फ किन खर्चों के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ। तो अब आप बताइए, यहीं से मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूं, कॉस्ट पर यूनिट में क्या चेंज कर दूं, अब हम न्यूमरेटर में वो नहीं लेंगे, अब 540 और 690 लेंगे। दोबारा जो इस क्लोजिंग के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट लगनी है, मैं कह रहा हूं अब फाइफो पे आ गया हूं मैं, इन 2400 पे जो पर यूनिट कॉस्ट लगनी है, उस पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए न्यूमिरेटर में कौन सा खर्चा लेना चाहिए, सिर्फ जो इस महीने में हुआ। तो मैंने कॉस्ट पर यूनिट में ये लाइन उड़ा दी, यानी ये न्यूमिरेटर है। अच्छा, जो कल बात बताना चाह रहा था, इसके डिनोमिनेटर में भी वो यूनिट आएंगे, उतने आएंगे जिन पे ये खर्च हुआ है। अब देखिए ये किस पे खर्च हुआ है, ये इस पे नहीं हुआ, तो इसके डिनोमिनेटर में ये आएंगे 540 इन पे है और इन पे है, तो इसके डिनोमिनेटर में 20,000 आएंगे। परसों वाला सवाल, इसके डिनोमिनेटर में ये नहीं होगा, इस 690 का खर्चा किस किस पे है, उन पे भी है, इन पे भी है और थोड़ा सा इन पे भी। 1000 कौन सा भाई, यही बता रहा हूं। अब जब मैंने सिर्फ इसको न्यूमिरेटर कह देना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कौन से यूनिट्स आएंगे, जिन पे ये खर्च हुआ है, तो ये इन 3000 पे इतना खर्च हुआ है, बाकी 70 तो वो पहले हो चुका था ना। तो अब इसके डिनोमिनेटर में इसका 30% आएगा, ये पूरा आएगा और इसका भी, ठीक है, ये फर्क पड़ जाएगा। फाइफो चलेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट में फर्क ये पड़ जाएगा कि ओपनिंग की लाइन नहीं आएगी और सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी, और उसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पे ये खर्च हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, जिनको ये वाली बात कल समझ आई थी मैंने उसी से रिलेट की है, और जिनको कल वाली बात नहीं समझ आई थी उन मासूम लोगों ने जीरो से अब एक चीज सिखाने लगा हूं, फाइफो मेथड सिखा रहा हूं आपको जीरो से। फाइफो मेथड जब होगा ये बात जिनको समझ नहीं आई सीरियसली कोई मसला नहीं है, अब सबको बताने लगा हूं। ये अगर किसी ने कुछ करना है तो कर ले नोट, लेकिन इसमें क्या नोट करेंगे आप, तो इसमें क्या करेंगे आप नोट, चले अब ये सबके लिए ऑफिशियली पढ़ाई हो रही है। अगर फाइफो मेथड होगा तो एक तो फर्क ये पड़ेगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी
ये अब सबके लिए है, और इन दोनों सवालों को साफ सुथरा ऑफिशियली सॉल्व करके दिखाता हूं। ये उन लोगों के लिए बात थी जो कल वाली इस डिस्कशन में कनेक्टेड थे, उसी को मैंने फाइफो से जोड़ा है। अगर नहीं समझ आई सीरियसली कोई बात नहीं है, अब ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं। तो अगर वेटेड एवरेज मेथड था उसके दो सवाल कर लिए, अभी चलती रहेगी प्रैक्टिस, फाइफो वेटेड एवरेज दोनों से चलती रहेगी। अगर फाइफो है तो जो अब तक सीखा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में, अब चेंज ये आएगी कि अब जो कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन थी ईपी में भी एक कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन लिखते थे और स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में भी लिखते थे, अब इसको हम तोड़ देंगे। इसकी जगह मैं दो लाइनें लिखूंगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन अलग लिखूंगा और वो जो नए आए और बन गए स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इनको मैं अलग लिखूंगा। यानी पहले मैं लिख रहा था 20600, वेटेड एवरेज में 20600 लिख रहा था, अब मैं उस 20600 की जगह 3000 अलग और 17600 अलग अलग चलाऊंगा। ये मेरे कहने का मतलब है, और अगर नहीं समझ आया मतलब तो भी सवाल सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा। फाइफो मेथड आने से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वो जो कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन होती थी वो अब टूट के दो लाइनों में आ जाएगी। और कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में फर्क ये पड़ेगा कि अब न्यूमिरेटर में बस करंट पीरियड कॉस्ट आएगी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं आएगा। न्यूमिरेटर में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अब शामिल नहीं करेंगे। यही जो भी बताया इतना अभी तो ये तो बताया था यार। हम अब जो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ये हम क्लोजिंग पे लगाएंगे क्योंकि क्लोजिंग नए में से बचा हुआ होगा। हाँ, ये पर यूनिट कॉस्ट हम क्लोजिंग के लिए कर रहे हैं, और कंप्लीटेड के लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको भी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से सिखाता हूँ। चलें, अब जो वेटेड एवरेज से दो सवाल हुए हैं ना तो उनको अब फाइफो से करते हैं, एक मैं एक आप। कौन सा वाला कर दूं मैं? ठीक है जी, कल वाला करता हूं। अब आप उस सवाल से कोई तार से डोड़ लें, देख लें कौन सा वाला सवाल अब करने लगे, उसको कोई एग्जांपल 1-2 नाम दे दें, कुछ कह दें कि वो तो 2 पेजेस पीछे था, या कुछ भी पहचान कर दें कि अब उस सवाल को हम फाइफो से करने लगे। कुछ ऐसी पहचान बना लें कि आपको पता होगा कि किसका सलूशन करने लगा हूं मैं। कल जो किया है ना जिसमें वो मटीरियल के एतबार से भी पूरा नहीं था, कन्वर्जन के एतबार से भी पूरा नहीं था, वो वाला कर रहा हूं। अब उसको आप कोई भी पहचान बना लें जिससे आपको पता चले कि ये कौन सा वाला कर रहा हूं मैं, फाइफो से करने लगा हूं अब। वेटेड एवरेज मेथड हो तो कंप्लीटेड की लाइन आती है, क्लोजिंग की लाइन आती है, अभी तक जितना पढ़ा। फाइफो मेथड हो तो कंप्लीटेड की लाइन की जगह दो लाइन आएंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की एक लाइन आएगी। ओपनिंग के यूनिट्स कितने? 4 है भाई। उल्टा चलता हूं दोबारा, कॉस्ट पर यूनिट में न्यूमिरेटर क्या लिखना है? बस करंट पीरियड कॉस्ट। तो उसके डिनोमिनेटर में यूनिट्स कौन से आने चाहिए जिन पे वो खर्चा हुआ है, यानी
इस महीने में जिन पे जितना जितना काम हुआ है, इस महीने में जिन पे जितना जितना काम हुआ है वो आने चाहिए डिनोमिनेटर में। कॉस्ट पर यूनिट में न्यूमिरेटर क्या लिखेंगे? करंट पीरियड कॉस्ट। तो फिर डिनोमिनेटर में आने चाहिए वो यूनिट्स जिन पे इस महीने में जितना काम हुआ, और वो जो कॉस्ट पर यूनिट का डिनोमिनेटर है ये वही तो निकाल रहे हम। तो फिर मैं ओपनिंग वर्क एंड प्रोसेस के यहां पर क्या यूनिट लिखूं? जितना काम इस महीने में हुआ है, तो इस महीने में मटेरियल का कितना काम हुआ है, कन्वर्जन का कितना काम हुआ है, इस महीने में होने वाला काम। देखिए सवाल में ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लिखा हुआ था कि ये पिछले महीने तक मटेरियल के एतबार से 70% कंप्लीट थे, तो बाकी 30 इस महीने में हुआ। कन्वर्जन के एतबार से वो 60% कंप्लीट थे, तो बाकी 40 इस महीने में हुआ। जो अभी तक डेटा में ही गुम है, मैंने वेटेड एवरेज मेथड दो सवालों से सॉल्व करवाया है। जो कल सवाल लिखा था ना, ये मैं वो सॉल्व कर रहा हूं। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, यानी वो जो आए और बन गए कितने, कैसे 25,000 में से क्लोजिंग निकाल दें। ये वो हैं जो आए और बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए। ये 22,500 कैसे निकला? इनपुट में से क्लोजिंग माइनस। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने चलना है उल्टा। आउटपुट कितना है, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 26,500। कंप्लीटेड कितने थे सवाल में 26,500, ये निकाल दें तो 22,500। नहीं समझ आया? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड से मुराद क्या है? जो इसी महीने इनपुट हुए और इसी महीने आउटपुट हो गए, तो वो 25,000 में से जो इन प्रोसेस रह गए वो माइनस करके आ जाएगा 22,500। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करिए कि टोटल आउटपुट कितना है 26,500, इसमें से ये तो पुराने वाले हैं तो बाकी नए वालों में से ही होगा, इसलिए इसमें से ओपनिंग माइनस करें, बाकी यहां लिखें। अभी सेम आंसर आ रहा है, जब हम लॉसेस पढ़ लेंगे फिर आपसे इस तरीके से हैंडल नहीं होगा, इसलिए ये तरीका कह रहा हूं कि आउटपुट में से आप ओपनिंग माइनस कर लें। अच्छा कर तब भी कोई ना कोई जल्दबाज कर ही लेगा, लेकिन गलतियां करेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि आउटपुट माइनस ये। इन पे सारा का सारा इसी महीने काम हुआ है, और क्लोजिंग ये जैसे पहले करते थे वैसे ही होगा 2500। मटेरियल का काम इन पे 80 हुआ है और कन्वर्जन का काम 75 हुआ है, 2 5 7 2 5 7 9 5 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7 2 5 9 7
से लेकर वेटेड एवरेज मेथड में और फाइफो में ये वही है, इसका फर्क पड़ गया। वेटेड एवरेज में बस कंप्लीटेड थे 26,500, लेकिन फाइफो में चूंकि कॉस्ट पर यूनिट न्यूमिरेटर कितना रखना है, जितना इस महीने में खर्च हुआ, तो उसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पे इस महीने में काम हुआ।
जितना जितना काम हुआ, ये फाइफो के मुताबिक ईपी है। और अब इससे निकाल लेते हैं, यार फारिग बैठे हो ना, बाहर देखना कोई ऑफिस बॉय वगैरह हो ना, मैं रुक जाता हूँ, आप बुला लो किसी को। हैं? नहीं भाई नहीं, अभी इसके साथ मैं लॉसेस डालूंगा, और जब लॉसेस डाल देंगे तो वो एग्जाम के आसान तरीन लेवल तक पहुंच जाएंगे हम। डेस्ट चाहिए, वो पीछे गिर गया। नहीं नहीं है चेंज, जिससे भिजवा रहे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अब न्यूमरेटर में आना है सिर्फ करंट पीरियड खर्चा, 420। डिनोमिनेटर ये है, और कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 30.7। यहां तक पहुंचे सारे, फिर मैं आपको अच्छा दोबारा चले गए थे उठ के। हाँ अच्छा, मैंने ये बता दिया, यहां तक पहुंचे, फिर स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बताता हूं।
स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में बताना होता है कि जो इस महीने की प्रोसेस की प्रोग्रेस है, जो आउटकम है, क्या आउटकम है, इतने बन गए, इतने अभी भी इन प्रोसेस हैं, उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, उन पे इस महीने टोटल कॉस्ट आई है, नहीं, उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। जैसे इस महीने जो कंप्लीट होके बाहर गए, इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। इस महीने जो बाहर गए ना, वो दो तरह के हैं, एक वो है जो शुरू से चल रहे थे अब बाहर गए, अच्छा जो पुराने आए थे और वो बाहर गए, कुछ खर्चा तो ये अपने साथ भी नहीं लेके आए थे, कहां से, पिछले महीने से, कितना, $50,000 एक था और 78 था, अच्छा बताता हूं इन पे इतना खर्चा पिछले महीने हो चुका था, और इसके अलावा जो मजीद इन्होंने इस महीने कंप्लीट खर्चा करने के लिए करवाया, वो मटेरियल पे और कन्वर्जन पे $1,960 4,926 4. ये जो यूनिट्स इस साल इस महीने मुकम्मल हुए, कितने हुए, 26,500। उनमें से ये ऐसे हैं जो कुछ पिछले महीने, बाकी इस महीने, आउट बहरहाल हो गए इस महीने, लेकिन ये इतना टोटल खर्चा लेके आउट हुए, और जो नए आए थे, जी जी बिल्कुल देता हूं जवाब, ये कितने, और इन पे खर्च आया 16.34 10,604,25 1,254,29 जो 26,500 यूनिट्स इस महीने कंप्लीट हुए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, वो स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में बताई जा रही है। क्या ये इन्हीं पे आया हुआ खर्चा नहीं है? बेशक पिछले महीने था, क्या इन्हीं का नहीं है? है। अब जब ये मुकम्मल होंगे तो उनकी टोटल कॉस्ट में तो होगा अकाउंट। रही बात के हमने पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ उस खर्चे की बेस पे निकाली जो इस महीने हुआ, हाँ तो मैंने उसको इस्तेमाल भी तो उसी पे ही किया है जिस पे इस महीने काम हुआ, मैंने उतने पे इस्तेमाल किया है जितना इस महीने काम हुआ है, जो पहले हो चुका था वो एज इट इज बीडी के तौर पे लिख लिया। इसको मैं एक और मिसाल से बताता हूं, टेस्ट मैच क्रिकेट, टेस्ट मैच 5 दिन का मैच चलता है, डे 1 जब एंड हुआ था तो रिजवान क्रीज पे था और सर उमर अकमल ये क्रीज पे मौजूद था यार बात सुन ले, और जब डे 1 एंड हुआ तो ये 30 पे बैटिंग कर रहा था, 30 नॉट आउट था। अब जब डे 2 भी एंड हो जाएगा और अगर ये डे 2 में 45 और करके आउट हो गया तो डे 2 के स्कोर कार्ड में, ये बात सुनिए, सीरियस बात बता रहा हूं, डे 1 का जब स्कोर कार्ड था तो इसके आगे 30 लिखा हुआ था, डे 2 खत्म हो गया, अब जो डे 2 का स्कोर कार्ड है, मैंने कहा डे 2 में इसने 45 रन और किए और आउट हो गया,
डे टू के स्कोर कार्ड में इसके नाम के आगे क्या लिखा होगा? 75, क्योंकि 75 करके आउट हुआ है। अब बेशक उसमें 30 पिछले दिन का था, 45 और किया, लेकिन आउट तो 75 करके हुआ है ना। तो हम स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में बता रहे हैं कि जो इस महीने में आउट हुए हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो चाहे उन पे थोड़ी पिछले महीने आ चुकी थी, आई तो उन्हीं पे थे ना, तो वो भी और इस महीने आने वाला मरीज खर्चा भी, इतनी टोटल कॉस्ट लेके 26,500 यूनिट्स मुकम्मल होके आउट हुए। क्या करनी थी परसेंटेज लेके? नहीं, ये रुपए लिखे हैं मैंने, रुपए पे क्यों लगाऊं परसेंटेज? मैंने कहा है कि इन 4,000 यूनिट्स पे इतने रुपए का खर्चा पिछले महीने आ चुका था, उसको एज इट इज ले लिया। अब जो इस महीने में काम हुआ है उस पे ये वाली पर यूनिट कॉस्ट लगा दी। जी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा मैंने। हाँ हाँ, 26,500 में 4,000 ये हैं, इनकी कॉस्ट ये है, और जो बाकी 22,500 हैं उनकी कॉस्ट ये है। तो ये पूरे 26,500 की टोटल कॉस्ट हो गई। और स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो वो वैसे ही है। मटेरियल 2,000, कन्वर्जन 1875 इंटू, चलिए कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। ये कल वाले सवाल का फाइफो मेथड है। नहीं नहीं, एक मेथड बताया होगा, कहाँ होगा एक मेथड बताया होगा, बताया होगा। फिर भी ना बताया होगा, बताया होगा। नहीं सर, नहीं बताया, बताया होगा। हाँ चलो, मान ले नहीं बताया, तो फिर जो मर्जी लगा लेना। अच्छा, मैंने एक लॉस वाला सवाल करना है, इसलिए जल्दी जल्दी करना, बातों में टाइम नहीं लगाना। पहले वाला सवाल करें फाइफो से, इससे पिछले वाला सवाल फाइफो से करें। नहीं नहीं, होमवर्क नहीं है, लॉस कब पढ़ाने मैंने क्या जी? नहीं नहीं नहीं, 10-15 मिनट ईमानदारी से करने के, 5 मिनट में हो जाएगा। तेज तेज लिखें।
हाँ हाँ जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का यूनिट कितने मटेरियल के अतबार से ये पहले ही पूरे हो गए बेटे। आउटपुट है 2060 माइनस 3। क्लोजिंग है 2400, मटेरियल के अतबार से पूरे हैं। इकोनॉमिक प्रोडक्शन आगे चल रहा है। वैसे को 34 भी कर देगा तो सही है, गलत नहीं होगा। चले वो तो कर ही लेंगे।
ये नहीं है। सब सही है, ठीक है जी। लेवल 5, 4, 4, 4 क्या अब मैं इसमें साथ लॉसेस भी मिक्स कर रहा हूं। जब लॉसेस पड़े थे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, तो डिनोमिनेटर में क्या किया था? डिनोमिनेटर लॉसेस जब पड़े थे, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को आउटपुट में ऐड कर दिया था और एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को लेस कर दिया था। रीजन वहां बता दी थी, रीजन अब दोबारा नहीं बता रहा। डिनोमिनेटर निकालते हुए आउटपुट में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ऐड कर दिया था, एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को लेस कर दिया था। तो अब इस सारे में से डिनोमिनेटर क्या है? ये तो अगर सवाल में लॉस भी आ जाए तो क्या होगा? कंप्लीटेड की लाइन, क्लोजिंग की लाइन, एबनॉर्मल की भी लाइन आ जाएगी। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे। और हो सकता है कि जो लॉस हुए हों वो प्रोसेस के दरमियान में ही कहीं ज़ाया हो गए हों, तो उनकी भी फिर आपको सवाल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी। जैसे 70% कंप्लीट हुए थे तो बस वहीं दम तोड़ गए, तो उनकी लाशें वहीं तैरने थे कि निकाल लें मशीन से बाहर, तो उनके ऊपर भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हो सकती है। तो उसका क्या करें? ऐसे ही, अगर उनकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है तो ऐसे ही उसके साथ भी शुरू होगा। तो एक तो इसमें लॉस की भी लाइन आ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो पॉजिटिव और एबनॉर्मल गेन हुआ तो नेगेटिव। अच्छा, लॉसेस जब पड़े थे तो न्यूमरेटर में क्या किया था? न्यूमरेटर नॉर्मल लॉस की रिकवरी को माइनस किया था। इस सब में न्यूमिरेटर किधर है? ये। तो चाहे वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है अब, चाहे फाइफो मेथड यूज हो रहा है, इसमें से लेस करके फिर न्यूमिरेटर बनेगा। इधर के इधर नहीं, मटेरियल में। ये जो मैंने दो बातें की हैं दोबारा, अब अगर लॉस भी साथ सवाल में मिक्स हो गया तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एक तो इस टेबल के अंदर आएगा, उसकी भी एक लाइन आ जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट में, अच्छा ये ऑनलाइन वाले लोगों को लगेगा शायद कोई लॉस की बात हो रही थी, कट गई, आपसे छुपा के को बात की है, तो वो लाइट बहुत जली गई थी तो मैंने लॉस वाली बात छोड़ दी है, कल दोबारा लॉस शुरू से बताऊंगा। मुझे लगता है काफी दिन हो गए मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई, अब मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बात क्या हुई। नरमी वो आया नहीं लड़का, तो मैं इसका जवाब दे देता, जब आएगा तो बता दूंगा। यार अगर बात को बता ही देता हूँ तो ध्यान भी दे दिया करें, एक्सपेक्ट ही कर लिया करें बात की। जुल्म
जुल्म कहते हैं। अच्छा, जुल्म का जब लफ्ज़ होता है ना, तो हमारे जहनों में उसका जो जो एक इमेज है जुल्म का, हम क्योंकि इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं, हम इतने ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हुए हैं खराबियों के, कि हमें बहुत सारे मसले मसले लगते नहीं हैं। जैसे अगर अब इस वक्त ये हालात हो चुके हुए हैं कौम, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इतने हालात हो चुके थे कि फलानी जगह धमाका हो गया, पांच लोग, भाई पांच लोग मरे, खैर है चलो, फिर हंसना शुरू हो गए, पांच लोग मरे हैं भाई, पांच लोग, पांच खानदान अफेक्ट हुए हैं, और ये तो वो हैं जो जान से गए होते हैं, कई ऐसे हैं जो जख्मी हुए होते हैं, ज़िंदगी भर के अपाहिज बन जाते हैं, फिर किसी का पता नहीं क्या क्या बिजनेस तबाह हो जाता है। तो एहसास की इतनी शदीद, ये जो मीडिया होता है ना, इसने जब कोई चीज़ फैलानी होती है या लोगों को यूज़ टू करना होता है, तो उसका तस्करा आम, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बार बार न्यूज़ चैनल बदलना, इधर धमाका हो गया, इधर धमाका, ये मर गए, तो हमें यूज़ टू हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो इसलिए हम इतने ज़्यादा यूज़ टू हैं कि हमें जुल्म का मतलब लगता ही वो है कि बंदे जला दिए, हाकिम ने इतने लोगों को मार दिया, ये जुल्म है। हालांकि जुल्म का मतलब होता है अपोजिट ऑफ अदल। अदल, अदल क्या होता है? इंसाफ। बराबर नहीं होता, नहीं बराबर नहीं है, अदल का मतलब बराबर नहीं होता है। अगर आप और आपका छोटा भाई खाना खा रहे हैं, आपसे वो 10 साल छोटा है, तो आप अगर दो रोटियां खाते हैं तो ज़बरदस्ती उसको मार मार के दो रोटियां नहीं खिलाएंगे, या अगर उसके लिए आधा चम्मच कोई वो दलिया बनता है तो आपको भी ज़बरदस्ती वो दलिया नहीं खिलाएंगे। तो बराबरी नहीं होती है अदल। जो जिसका जितना ड्यू बनता है, जो सही सिस्टम में रहते हुए बनता है, वो अदल होता है। जब सिस्टम के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो जुल्म है। इवन के इंसान अपनी ज़ात पर भी जुल्म करता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किए। तो इसके अलावा यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तो इंसान अपनी जान पे भी जुल्म कर रहा होता है। अच्छा, अपनी जान पे जुल्म करने का मतलब ये तो नहीं कि दीवार में टकरे मार रहा होता है। अपनी जान पे जुल्म करने का मतलब होता है कि जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिए हैं वो उसके खिलाफ कर रहा है, तो अपने आप को आग के लिए तैयार कर रहा है, तो जुल्म कर रहा है अपने ऊपर। अच्छा, ये चल रही है भाई, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको आवाज़ पहुँच रही है, हदीस पूरी कर लो बस। तो जुल्म जो है ना, उसकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, और जितना बड़ा जुल्म होगा उसकी सज़ा उसके हिसाब से है। हल्का जुल्म होगा तो चलो थोड़ी सज़ा होगी। इंसान को सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से बचना चाहिए, नहीं छोटे छोटों से भी। बेशक अल्लाह ने फरमाया कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो तो छोटे हम माफ़ कर देंगे, लेकिन इसके पीछे एक अजम्पशन ये है भाई, छोटे से तो बचने की कोशिश करते ही होंगे। अच्छा, इंसान अगर छोटों को, गुनाहों को बड़ी को बड़ी लिफ्ट ना करवाए, उनमें पड़ा रहे, तो फिर आस्ता आस्ता ना वो बड़ों तक पहुंच जाता है गुनाहों तक। इसलिए हमें ये जो गुनाह हैं, खराबियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, इनके लेवल्स पता होने चाहिए। इनके अगर छोटे लेवल भी हैं तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। जुल्म जो होता है ना, जुल्म वो अदल के अगेंस्ट है। इवन के अगर आप क्लास में आएँ और एक स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पर बैठा है, और आप उसका बैग उठा के पीछे फेंक दें और वहाँ ज़बरदस्ती बैठ जाएं, और फिर वो आके झगड़ा के तो आप कहें बाहर आ तू ज़रा, तो ये भी जुल्म की कैटेगरी में है। इवन के ये भी जुल्म का दर्जा है कि आप में से एक भागता अंदर आए, एक सीट पे बैग रखा, एक पे किताब रखी, एक पे एक और किताब रखी, एक पे कैलकुलेटर रख दिया, और वो जो आ रहे हैं ना आस्ता आस्ता, उनकी सीट रखी गई। अब जो बेचारे धूप में बाहर लाइन में लगे थे कि मैं आगे जगह मिल जाए, उनके साथ ये जुल्म है। बात ये है, देखें बात ये है कि हम किस चीज़ को लिफ्ट ही नहीं कराते है, तो ये भी जुल्म की कैटेगरी, और इतनी लोएस्ट कैटेगरी भी है। ये हदीस इसलिए सुना रहा हूँ कि हमें अंदाज़ा हो कि कितनी लोएस्ट लेवल तक भी जुल्म की कैटेगरी थे। हदीस तो पढ़ता हूँ लेकिन उसकी मिसाल एक और बताता हूँ, क्योंकि हदीस में खजूरों का जिक्र है, तो मैं एक और मिसाल बता देता हूँ। जब एक ही प्लेट पर चार पाँच लोग खा रहे हैं, अब मिल के खा रहे हैं, अब बताने का मकसद ये है कि इतने लोएस्ट लेवल तक भी हम मोहतात रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। एक लोएस्ट लेवल बताया जा रहा है, अब उसमें अगर चार लोग खाना खा रहे हैं और चार बोटियां हैं, तो इसमें भी जुल्म, इंसाफ और इकराम है। इकराम ये है कि आपकी पर पर्सन बोटी कितनी बनी, एक। इकराम ये है कि आप एक से कम खाएं। इंसाफ ये है कि आप एक खाएं, और अगर आप एक से ज़्यादा खाएंगे ये जुल्म में चला जाएगा। देखिए, अगर मजाक उड़ाना है तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो आपको एक बात समझा रहा हूँ। बुखारी 2489, सईद ने अपनी उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स दो दो खजूरें एक साथ मिला के ना खाए, यहाँ तक कि वो अपने साथियों से इजाज़त ले लें। अब जब दो दो उठा के एक साथ खाएगा तो वो ज़्यादा क्वान्टिटी खा रहा होगा, तो इससे भी मना फरमाया। कल मुलाकात होगी।